नमस्कार, सच कहूं पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। नजर पौने देश दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। मणिपुर के राज्यपाल ने राहत केंद्रों का किया दौरा। इस दरमियान राज्यपाल ने शांति बहाल करने के लिए लोगों नाल की गलबात। राज्यपाल ने की सियासी दलों और विरोधी गठबंधन तो योगदान देने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति की तीसरी वरेगंढ से सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रोग्राम का उद्देश्य भारत की ज्ञान धारा अगे बढ़ा विकास को नवी दिशा देना। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत बजट किस्त और 12 भाषावां विच कौशल पाठ्यक्रम किया जारी। दिल्ली गुरुग्राम यात्रियों को जल्द ही जाम तो मिलेगी निजात। धौला कुआं तो मानेसर तक बढ़ेगा एलिवेटेड रोड। हल्के वाहनों के लिए समर्पित रहेगा यह मार्ग। मौजूदा सड़क से यातायात की भीड़ होगी घट। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को 2 महीने में खाका तैयार करने के दिए सख्त निर्देश। मणिपुर में बढ़ती हिंसा के भी विरोधी सांसद और प्रतिनिधिमंडल सूबे के शिविरों में पीड़ितों के नाल मिलने पहुंचे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जमीनी स्थिति को समझने की करेगा कोशिश। दस दी कि मणिपुर में पिछले 3 महीनों तो जारी है हिंसा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट की जारी। लिस्ट में 3 नवे नामों किया शामिल। राधा मोहन अग्रवाल और संजय बंदी बने राष्ट्रीय महामंत्री। अनिल अंटोनी चुने गया राष्ट्रीय सचिव। जेपी नड्डा की इस नवी टीम में वसुंधरा राजे, रमन सिंह और कैलाश विजय वर्गीय समेत 38 आगुओं के नाम भी किए शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। निर्बाध बिजली आपूर्ति और खराब ट्रांसफार्मर की समय से मरम्मत करने के दिए आदेश। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों को खेती बिजली कनैक्शन जारी करने का दिया भरोसा। राजस्थान में हुण तेल और मसाले भी मिलेंगे फ्री। चीनी और दाल के पैकेट मिलेंगे मुफ्त। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉन्च करेंगे योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तो जुड़े 1.10 करोड़ लोगों को मिलेगी फायदा। कांग्रेस आगू राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूजा पार्ट जल्द होएगा शुरू। इस बार राजस्थान तो लेके निकलेगी यात्रा। यात्रा के रूट को लेकर दक्षिणी जिले में चल रही तैयारियां। चोनी माहौल को देखते हुए राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को साधन का करेंगे प्रयास। पंजाब के 11 में भारी वर्षा का अलर्ट। ज्यादातर शहरों में छाए काले बदल। भाखड़ा में बढ़ रहा जल का पद्धर। खतरे तो 21 फुट थले चल रहा पानी। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे के कुछ थावां से 31 तक वर्षा के नाल तेज हवावां चलनगियां। लुधियाणा में गैंगस्टर जतेंद्र सिंह उर्फ जिंदी गिरफ्तार। 1.5 साल तो भगौड़ा से आरोपी। पंजाब के जिला लुधियाणा में गैंगस्टरों को दबोचन के लिए लगातार सीआईए टीम कर रही थी रेड। दस दी कि 9 महीने पहला सीआईए टीम से गड्डी चढ़ाने की की थी कोशिश। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबर देखने यूट्यूब पर टाइप करो सच कहूं पंजाबी।